नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील पहुंची पीड़िता ने दबंग द्वारा रास्ता न दिए जाने और झगड़ा करने की शिकायत करते हुए जमीन की नापतोल कराने की मांग की। मुजफ्फरनगर की जानसर तहसील के गांव जड़वड़ निवासी कुंवर पाल पुत्र मोले ने SDM जानसर को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि प्रार्थी की पत्नी अजय पाली पत्नी कुंवर पाल ने एक जमीन खरीदी थी जो जानसर तहसील के संबलहेड़ा में आवासीय भूमि 820 वर्ग मीटर का एक प्लॉट घसीटा अमरीश पुत्र भुड़िया से लिया था, जो मीटर के हिसाब से भूमि का भुगतान किया गया था। अब विक्रेता घसीटा की मृत्यु हो चुकी है तथा उसका भाई अमरीश बेहद चालाक और झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है तथा उन लोगों को धोखा देना काफी आम लगता है, जिसके चलते ने पीड़ित की पत्नी को धोखा देकर आवासीय भूमि का बैनामा यह कहकर उसके नाम लिखवा लिया कि उन्हें रास्ते पर कब्जा दिलाएगा और अब रास्ते देने में आनाकानी कर रहा है। पीड़ित जब आवासीय जमीन को नापने के लिए कहता है तो अमरीश गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। पीड़ित ने जानसर SDM कार्यालय पहुंचकर अमरीश के खिलाफ शिकायती पत्र देकर उक्त आवासीय भूमि को हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक से था पुलिस बल भेजकर पैमाइश कराने की मांग की। नमस्ते, हमारे से मेहमान के साथ है, हमारे बहन आई है, जरूरत कटोरा में बहन भी आई है हमारी जी। तो इन्होंने आपसे 2013 में एक बैनामा लिया था प्लॉटिंग के नाम से। तो जो विक्रेता है और जो तय कराने वाले उन प्लॉटिंग पे बैनामा दिखाया, उसने बैनामे पे चारों तरफ मैंने रास्ते पे भी दिखा दिया, उसकी तरफ खोल गए। अब वो जो दूसरा पक्ष जो इनको खरीदा इसने तैपाई करवाने वाला था वो कह रहा है मेरा भी बैनामा है इसमें, और उसने झंझट खड़ा कर रखा तो मेरी जमीन दाब रखी है कवर पर। तो जमीन तो उसकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, बैनामा अलग है दोनों का। उसका अब से 30-40 साल पहला बैनामा तो पता ही नहीं था किसका बैनामा इसमें है या नहीं है, ऐसा चकमा दे के यानी कि 420 करके ग्राहक बनाया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड जानसर के विद्यालयों में मीना का जन्मदिन मनाया गया, जहां खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल द्वारा बालिकाओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चांसठ के सभी प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना का जन्मदिन मनाया गया। मीना बालिका शिक्षा स्वावलंबन मुखर व्यक्तित्व का प्रतीक पात्र है। इसी क्रम में सभी विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय चांसठ देहात में डॉक्टर सविता डबराल ने इंचार्ज बालिका से केक कटवाया और बालिका को उत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय में एक सक्रिय बालिका को विद्यालय का इंचार्ज बनाया गया। बच्चों द्वारा विविध गतिविधियां तथा कविता पाठ, लघु नाटिका, खेलकूद, पेंटिंग इत्यादि का आयोजन किया गया। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पहुंचे राज्य मंत्री सुनील बराला ने भाजपा नेता दीपक पंडित के आवास पर पहुंचकर दिवंगत चाचा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राज्य मंत्री सुनील भराला मीरापुर पहुंचे, जहां दीपक पंडित के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केवल प्रमुख भाजपा नेताओं और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। भाजपा नेता दीपक पंडित के चाचा का गत दिनों निधन हो गया था, जिसमें दर्जा प्राप्त भाजपा राज्य मंत्री सुनील भराला मीरापुर दीपक पंडित के आवास पर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राज्य मंत्री ने सबसे पहले पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कुछ देर तक श्रद्धांजलि सभा स्थल पर बैठे, जहां कुछ प्रमुख भाजपा नेताओं से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित मदरसा इस्लामिया रहीमिया में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मदरसा इस्लामिया रहीमिया में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मीरापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां 18 वर्ष से लेकर अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के तहत मदरसा इस्लामिया रहीमिया में शुक्रवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CHO अंकुर कुमार, नीलम देवी, मंजू रानी, सुनीता देवी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पंजीयन कर उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें आज 200 वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान मदरसा इस्लामिया रहीमिया के हाफिज बिलाल कुरैशी ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध के निर्देशन में धरपकड़ अभियान में वांछित चल रहे अपराधी को पुलिस ने जेल भेज दिया। BIT चौकी प्रभारी यूनुस खान सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने मुकदमे में वांछित चल रहे अपराधी के घर दबिश दी, तो यहां पुलिस को देख अपराधी मौके से भाग निकला, जिसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। अपराधी का नाम नवाब पुत्र इदरीस निवासी गांव सिकंदरपुर थाना मीरापुर है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के गांव रसूलपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सास बेटा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य महकमा सास बेटा और बहु सम्मेलन आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम प्रधान रसूलपुर सन्नो ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का संचालन BCPM
रोबिन शर्मा ने किया। शुक्रवार को मीरापुर के गांव रसूलपुर की सीएससी पर सम्मेलन का आयोजन कर विजेताओं को शगुन किट से सम्मानित किया गया। एलएसपी मिथिलेश शर्मा ब्लॉक जानसठ ने बताया कि सास बेटा बहु सम्मेलन का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इसमें नव दंपति जिनकी शादी एक साल के भीतर हुई हो और एक वर्ष से हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं और वह महिलाएं जिन्होंने अब तक परिवार नियोजन नहीं अपनाया, जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं, जिनका पहला बच्चा 2 साल और तीसरा बच्चा 3 साल के अंतर पर हुआ है, उन्हें प्रतिभागी बनाया जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ सबको, इसमें कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि कोई थोप नहीं है कि आप ऑपरेशन कराओ या माला डी यूज करो या कॉपर्टी, जो आपकी इच्छा हो। हम लोग बास्केट रखते हैं इसीलिए कि जो आपकी इच्छा है, छाया यूज करना चाहती हैं या माला डी यूज करना चाहती हैं या कॉपर्टी लगवाना चाहती हैं तो वो अवश्य लगवाएं। जितना अपना परिवार सीमित होगा उतना ही हमारा गुजारा आराम से चलेगा, क्योंकि सरकार ही हर खर्चे को नहीं देगी। ये हमें भी देखना है कि हम अपने गृहस्थी का किस तरह से पालन कर सकते हैं। एक बच्चा, दो बच्चा या तीन बच्चा, वैसे तो आज के युग में एक बच्चा ही बहुत है, लेकिन ये कहते हैं कि अकेला अकेला, तो इसलिए दो बच्चे बिल्कुल बहुत हैं। इससे आगे आदमी कोशिश ना करे, क्योंकि उसका बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, अच्छी नौकरी करे, अच्छा काम करे और अच्छी उसकी आर्थिक रूप से वो संपन्न हो। तो वो तभी होगा जब हम लोग अपना सीमित साधन यूज करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। वो आप लोगों की सबकी इच्छा है, कोशिश हम यही करते हैं कि सब अपनी इच्छा से परिवार नियोजन का साधन अवश्य अपनाएं ताकि अपने परिवार को सीमित रखें। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर की जानसर तहसील क्षेत्र के गांव संबल हेड़ा निवासी तबस्सुम पत्नी इनाम पुलिस क्षेत्र अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गुरुवार को करीब 4 बजे शाम के समय पड़ोस में ही रहने वाले भूरा पुत्र याकूब, फुरकान पुत्र याकूब व नवाब उर्फ नब्बू पुत्र याकूब और सोनू पुत्र याकूब उसके घर पर लाठी डंडों से लैस होकर आए और उसके व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करने लगे। वहीं शोर शराबा सुनकर अन्य पड़ोसी भी वहां आ गए, जिन्होंने उसे व उसके परिवार को दबंगों से बचाया और पीड़िता जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई तो पीड़िता की थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के देवर को भी थाने में बैठा लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उसे बहुत चोटें भी आई हैं, लेकिन अब तक उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया। अच्छा, 4 बजे की बात है, मेरे साथ बहुत मारपीट करी, यहाँ लग रही कमर पे गुर्दों में लग रही, बहुत परेशान कर रखा हमें। हम थाने में घर तो भी बताओ, मैं पैसा भी देंगे साफ कर दी। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे मोहंड स्थित एक अनियंत्रित कार चाय की दुकान में जा घुसी, जिसके कारण दुकान को काफी नुकसान हुआ और एक बुजुर्ग घायल हो गया। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोहंड पुलिस चौकी के निकट गुलफाम की चाय की दुकान में एक अनियंत्रित कार घुस जाने से दुकान टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई और दुकान में बैठे असगर पुत्र गफूर को भी गंभीर चोटें आई, जिसे प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया, जबकि वहां बैठे काफी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार ड्राइवर और कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।